हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, जो चैप्टर आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन है उसमें जो है टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी किसी एक ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो जो उसकी वेलोसिटी होगी उसकी वेलोसिटी को आप दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ कंपेयर करेंगे, वो जो वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की जिसको आप कंपेयर कर रहे हो दूसरे की वेलोसिटी के साथ, वो होगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को, एक्सप्रेशन जो होगा इसका वो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट ए एंड बी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, ए की वेलोसिटी जो है वी वन और दूसरी की वेलोसिटी वी टू है। ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ने जब टाइम जीरो था तो ऑब्जेक्ट ने एक्स नोट वन और एक्स नोट टू जो है ये डिस्प्लेसमेंट्स वो है वो कवर की। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट उन्होंने कवर की, जब टाइम जीरो था तो एक्स नोट वन ए ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट थी और एक्स नोट टू बी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखें, उसके बाद क्या, जब टाइम मैंने टी कंसीडर किया तो ऑब्जेक्ट के ए की जो डिस्प्लेसमेंट वो एक्स वन थी और ऑब्जेक्ट बी की डिस्प्लेसमेंट एक्स टू थी। ठीक है, तो अब अगर आप वेलोसिटी जो है वो उसको कैलकुलेट कैसे लिखते हैं फॉर ऑब्जेक्ट ए की, अगर आप वेलोसिटी देखें ऑब्जेक्ट ए के लिए वेलोसिटी कैसे लिखती हूँ, जैसे वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट ए की v1, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है ऑब्जेक्ट ए की, वो क्या है x1 माइनस x नोट 1, क्योंकि चेंज अगर आप देखेंगे तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो बाद में उसने डिस्प्लेसमेंट की x1 माइनस x नोट 1, इसमें देखेंगे दोनों में डिफरेंस ओवर टाइम जो है वो कितना आएगा t माइनस जीरो। तो यहां से अगर आप वी वन की वैल्यू निकालते हो, वी वन इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स नोट वन, और ये वाला टी मैंने इधर लिख दिया, ये बन गया वी वन टी। तो यहां से अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, ठीक है, टाइम टी पर एक्स वन की सॉरी ए ऑब्जेक्ट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नोट वन प्लस वी वन टी। ठीक है, तो ये मेरी ए ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट आई, ठीक है, टाइम टी पर। ऐसी मान लो फॉर ऑब्जेक्ट बी के लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकाली जो कि एक्स टू है, उसमें आएगा एक्स नोट टू माइनस वी टू सॉरी प्लस वी टू टी। तो ये जो दो इक्वेशंस है ये मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली ऑब्जेक्ट ए और बी की। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट वन सॉरी टू फ्रॉम थ्री, तो टू फ्रॉम थ्री है तो ये इस साइड पर राइट लेफ्ट साइड पर आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, और इसमें जो आएगा वो आएगा हमारा एक्स नोट टू माइनस एक्स नोट वन ब्रैकेट क्लोज प्लस v2 टू माइनस वी वन ओवर टी सॉरी इंटू टी। ठीक है, t मैंने कॉमन लगा लिया इसमें, ठीक है, t मैंने कॉमन लगा लिया इसमें, तो ये मैंने इक्वेशन नंबर मान ली आपकी फोर। ठीक है, इसको मैंने वन माना था इसलिए मैंने इधर टू और थ्री और फोर का नंबर दिया। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन नंबर फोर मान ली। ठीक है, यहां तक। अब मान लो मैंने कंसिडर कर लिया जो है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ये किसके इक्वल है आपका एक्स नोट टू माइनस एक्स नोट वन। ठीक है, ये मैंने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मान ली ऑब्जेक्ट बी की विद रिस्पेक्ट ऑब्जेक्ट ए, तो इसको मैंने कंसीडर कर लिया एक्स नोट के इक्वल। ठीक है, ऐसे मैंने जो एक्स टू माइनस एक्स वन है वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एक्स बी ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि बी जो आगे होगा उस ऑब्जेक्ट की आपने निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू दूसरे के, तो एक्स टू माइनस एक्स वन को मैंने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मान लिया एक्स। तो ये दोनों वैल्यू
इस पर आप पुट करेंगे, यहां पर आएगा x और यहां पर आएगा x नॉट, और ये जो है इस साइड पर सेम रहेगा। तो नेक्स्ट जब आपने पुट किया तो पुट करने के बाद आपके पास इस साइड में आएगा x और इस साइड में आएगा x नॉट प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी, ठीक है। ये अब x नॉट x माइनस x नॉट इस तरफ आएगा और यहां से t जो है ये ऐसे रहेगा v2 माइनस v1 इंटू टी, और ये t आएगा इसके नीचे, ठीक है। तो ये अब आएगा v2 माइनस v1, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप देखें जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी, मैंने कहा भी आप एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरे के निकालते हो तो वो आप डिफरेंस होता है दोनों की वेलोसिटीज में, तो जो डिफरेंस है वो है किसके इक्वल, वो है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर। जो रिलेटिव पोजीशन है एक ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू आप अदर देख रहे हो, उसको आप टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो वो आपको वैल्यू देगा रिलेटिव वेलोसिटी की। तो इसको आप लिख सकते हो फिर रिलेटिव वेलोसिटी जो है इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। जो रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में डिफरेंस होगा, लेकिन वो है किसके इक्वल, दोनों की रिलेटिव पोजीशन पर यूनिट टाइम के हिसाब से, ठीक है, वो उसके इक्वल हो। तो ये एक रिलेटिव वेलोसिटी का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी को अगर आप मान लो दो ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी को आपने डिफरेंस ही करना है, ठीक है, तो अगर तो ऑब्जेक्ट जो है आपके सेम डायरेक्शन में है, दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में है, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हो ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मैंने लिख लिया वी ए बी, ठीक है, ये ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसमें जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी जब आप निकालोगे दोनों की वेलोसिटीज को माइनस करोगे, वी ए माइनस वी ई, ये मैंने ऊपर वेक्टर का साइन डाला है, वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी आप निकालोगे वी ए बी, वो दोनों को एड कर आप निकालोगे, ठीक है, वी ए प्लस वी बी, ये बात आपने याद रखनी है, जो वेलोसिटी है वो किस केस में माइनस होगी और किस केस में ऐड होगी।